केवीके नामसाई अंडर ICRRC फॉर NEH रीजियन की तरफ से हम लोगों ने बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम डेवलपमेंट के लिए कामरूपा बर्ड जो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का प्रोड्यूस है, ये ड्यूअल पर्पस बर्ड था और इसके साथ आप लोग बनराजा भी है तो आप देख सकते हैं दोनों ही जो कामरूपा और बनराजा है दोनों ही ड्यूअल पर्पस बर्ड है। ड्यूअल पर्पस मतलब ये बहुत जल्दी बड़ा होता है और एक लेइंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है लोकल के मुकाबले। तो ये मैडम जो है नांग लिक मुंगखंग मैडम ने ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की तौर पे इसको किए थे तो उन्होंने बहुत सारा मुर्गी बिक्री भी किए हैं। अभी उनका जो फीमेल है लेयर बर्ड की तौर पे वो रख रहे हैं, मेल भी है, 200 रुपये पर किलो उनको मीट का हिसाब से बिक्री हुआ है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छे से ग्रोथ हुआ है। जो मेल है वो कम से कम 3 किलो का है। इन लोगों को बैकयार्ड पोल्ट्री मतलब ऐसे दिन में खुला छोड़ दिया जाता है, रात को रहने के लिए इन लोगों का जो घर है ये घर में रखा जाता है। और देखिए कितना सुंदर से मैडम किए हैं, अंडा और मुर्गी दोनों का तरफ से उनका इनकम हुआ है। घर में भी ये लोग एज ए प्रोटीन से सोर्स अंडा का इस्तेमाल होता है। बैकयार्ड सिस्टम में इन लोगों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। ये मुर्गी सब दिन भर बाहर में जो प्रोटीन डाइट और दूसरा अपना खाना खाने के बाद अच्छे से ये नीचे ये चांग घर के नीचे जो बम्बू से बना हुआ घर है दिख रहा है वहाँ ये लोग रहते हैं। ये देखिए ये लोग दिन भर बाहर में चारों तरफ खाना खा के दिन में रात में अंदर चला जाता है तो इन लोगों का जो है फीडिंग कॉस्ट कम हो जाता है। रात में सिर्फ इन लोगों को खाना दिया जाता है। ये सिस्टम में के लिए कामरूपा बनराजा गिरिराजा ये सब वैरायटी का मुर्गी जो है ये बहुत लाभदायक है और केवीके नामसाई की तरफ से हम लोगों ने ये अपने डेमोंस्ट्रेशन में करके खुद फल पाया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है ये मुर्गी लोगों का।